वेलकम टू टुडेज व्लॉग। डेट है आज, अरे 23rd ऑफ अक्टूबर, टाइम हो गया सुबह के 8 एंड छुट्टी है, संडे आज। वैसे भी आज छोटी दिवाली, तो हैप्पी छोटी दिवाली। एंड जस्ट अभी उठाऊं, उठने के बाद अभी चलते हैं नीचे, सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई दिवाली है, काम तो बहुत सारे होने वाले हैं, देखते हैं अभी, पहले चलते हैं। जस्ट अभी अभी उठाऊं तो अभी याद आया, कल मैंने व्लॉग नहीं करा था, बट यहाँ पर ये दो फ्रेम्स लगा दिए गए थे। 3D वाला फ्रेम है तो इसका ना व्यू थोड़ा अलग ही आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो पीछे से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। लाइट नहीं, मतलब लाइट बंद होगी तो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। भाई भाई भाई, आज तो किचन में घुसते इतनी सही स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है ना, क्योंकि आज बनी है भाजी। लेकिन भाई संडे सुबह सुबह भाजी तो बन के रेडी है, लेकिन पाव नहीं है। अब जैसे ही पाव आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रेश भी हो चुका हूँ, बस भाजी तो है, पाव का वेट करते हैं। फाइनली पाव आ चुके हैं, जल्दी से इसको गर्म करते हैं एंड खाते हैं पाव भाजी। तो इधर ऑन हो चुका है टीवी एंड इधर आ चुका है ब्रेकफास्ट, पाव भाजी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल तो इसे इन्जॉय करते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट डन है एंड पाव भाजी थी ब्रेकफास्ट में, जिसे मैंने खाया नहीं है। ये क्या हो गया? तो जिसे मैंने खाया नहीं है, जिसे मैंने भरा है एंड पूरा ब्रेकफास्ट ऐसे भर लिया गया है। इधर अवनी सुबह से ऐसी बैठी हुई है, मैंने वैसे सुबह से नहीं, अभी अभी आके बैठी है, ब्रेकफास्ट कर रही है। क्या ये क्या कर रही थी? वो तो मुझे पता ही है। एंड इधर इसने मूवी चेंज कर दी, कौन सी लगाई है अब? जब वी मेट, तेरी फेवरेट मूवी है? हाँ यार, वो भी उसमें चपड़ चपड़ करती रहती है, ये भी इधर चपड़ चपड़ करती रहती है, फेवरेट तो होगी। तो अभी आ गया था वापस मैं अपने रूम में, क्योंकि वही हमारा पुराना काम। इधर गाने चलने वाले हैं, अमेजोन म्यूजिक बस खुली गया। एंड इधर एडिट करने बैठ रहा हूँ वापस से अपने व्लॉग्स, क्योंकि दो तीन व्लॉग्स बचे हुए पेंडिंग जो एडिट नहीं हुए। चलती एडिटिंग में हुई है इस लड़की की एंट्री। कैसे आना हुआ आपका इस कमरे में? गाने सुने। तो इधर चल रहे हैं गाने, गाने कंटिन्यू करते हैं, एडिटिंग कंटिन्यू करते हैं, बैठ के सुनेगी गाने, कर ले प्ले। तो अभी मैं आ गया था नीचे क्योंकि अभी जाना है बाहर। बाहर कहाँ जाना है शानवी, पता है आपको? नहीं पता? करेक्ट। तो कल दिवाली है तो उसके लिए पूजा का सामान लेने जाना है, ऑफिस में पूजा है, तो बस अवनी आ रही है, फिर चलते हैं। अवनी तो आ रही है, उसे मैं साथ लेके जा रहा हूँ। तू क्या कर रही है? कौन है बे? तू क्या कर रही है यहाँ पे? आपने मुझे बुलाया व्लॉग करने के लिए। मैंने बुलाया क्या? हाँ। छोटी मंजुली का जा, अपनी को भेज चल। सो इधर फाइनली अवनी भी आ चुकी है एंड हियर वी लीव। आ जा भाई, कितने ड्रामे हैं तेरे, लेट क्यों आई? आप ही नहीं बोला था चश्मा देख लिया। सो हियर वी हैव रीच मार्केट, और पता है जितना भी जोर से बोल लो हल्ला बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अभी ना कैमरा घुमा के आपको भीड़ दिखाते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा है। अभी तो खैर कम है, शाम के टाइम पे एक बार और चक्कर मारेंगे, शायद कुछ सामान ले जाना पड़े, तब दिखाऊंगा। भाई ये रीज़न है इस चक्कर में ना, मैं स्कूटी लेके ही नहीं आया अंदर, उसे ना बाहर ही छोड़ा। यहाँ पे जाम लग रहा है, भाई को कोई टेंशन नहीं, बीच रोड पे गाड़ी खोली और सामान रखना शुरू। और पीछे तक लाइन देखना, इस साइड में पीछे तक जाम है एंड लेकिन ये लगा पड़ा है भाई। सो गाइस अभी यहाँ पे अप्रोक्स आधा घंटा हो गया है और अभी अभी हम खड़े हुए हैं। अप्रोक्स नहीं, सही में आधा घंटा हो चुका पूरा भैया, 45 मिनट्स हो गए। तो फाइनली सामान मिल चुका है एंड अवनी का ऑलमोस्ट एक घंटे का स्ट्रगल, खड़ी होकर पूछ लिया कब मिलेगा। तो बस अभी सामान ले लिया एंड भाई बाहर मार्केट में तो बहुत भीड़ है, तो मार्केट छोड़ के हम अंदर से जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी हमने अंदर खड़ी करी थी ना। तो अभी वापस आ चुका हूँ फाइनली सामान लेकर, लेकिन आज दिवाली है ना, छोटी दिवाली है, हैप्पी छोटी दिवाली। तो लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो अभी त्यौहार है तो भाई पहले नहा लेते हैं, सुबह से नहाया नहीं, लेकिन काम इतना सारा था तो अभी सारा काम अभी का निपटा दिया, बाकी काम जो भी है शाम को करेंगे या कल ही करेंगे सीधा। तो बस अभी नहा के फिर मिलता हूँ। तो यार अभी नहा चुका हूँ एंड आज जैसे कि संडे है, अभी सारे कपड़े भी धुले हुए हैं, तो एक काम करता हूँ पहले अपने रूम में चलता हूँ जल्दी से, उसके बाद बताता हूँ क्या करता हूँ। ऐसा कुछ करने का प्लान तो नहीं है, रूमर कह रहा हूँ,
रूम में आकर तो अभी बस थोड़ी देर टीवी ऑन कर लूंगा एंड उसके बाद नैप ले लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नैप के बाद, देखते हैं और क्या क्या काम है। बहुत काम है आज वैसे। पॉडकास्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अब ये फ्री फ्लोइंग इतिहास वाली कॉन्वर्सेशन करते। तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 3 एंड भाई लंच टाइम हो गया ना, भूख लग गई तो लंच करने आया था। एंड यहाँ पर तो मैच चल रहा है। क्या चल रहा है कार्तिक मैच में? कोई यूट्यूबर दिखा तुझे इसमें? कोई भी नहीं दिखा। चल ढूंढियो, फ्लाइंग बीस्ट है यहाँ पे। तो इधर मैच चल रहा है एंड इधर आ चुका है लंच, राजमा चावल है। तो मैच देखते हैं, लंच खाते हैं, लंच खाते हैं, मैच देखते हैं। तो अभी लंच करके बाहर आ चुका हूँ, अभी बाहर आके बैठा ही ताकि देखा यहाँ पे मम्मी हमारा ही व्लॉग देख रही हैं, करवा चौथ वाला व्लॉग चल रहा है यहाँ पे एंड अंदर मैच ही चल रहा है, सब मैच देख रहे हैं। तभी चलते थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, गाने सुनता हूँ और फिर चला जाऊँगा अपने रूम में, क्योंकि शाम को काम है, थोड़ा सामान लेके आना है, तो फिर शाम को ही निकलेंगे सीधा। तो अभी इधर भी मैच हट चुका है एंड चल रहा है अपना ही व्लॉग। यहाँ पे पापा देख रहे हैं, बाहर मम्मी देख रही थी एंड तो बस अभी नीचे आया था चाय बनाने के लिए एंड ये सारा सामान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। चाय बनाने शुरू करते हैं, बस 5 से 6 कप चाय लगभग बनानी है, तो वही बन रही है। तो इधर अभी ब्लैक टी तो रेडी है, लेकिन ब्लैक टी कोई पीता नहीं है, तो इसमें अभी मिल्क ऐड कर देंगे। लेकिन भाई इसकी ना स्मेल मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसकी जो फ्रेगनेंस आ रही है ना, बहुत गजब आ रही है। मेरा मन कर रहा है ऐसी पी जाऊँ, लेकिन पी नहीं सकता ना इसे ऐसी। चलो इसमें मिल्क ऐड करके दिखाता हूँ इसका कलर कैसा आया। तो अभी कुछ ऐसी सी लग रही है हमारी चाय, बस इसमें उबाल आते जाने तो थोड़ी अच्छे से कट जाए, उसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। कप्स यहाँ पर रेडी हैं, ले लेते हैं चाय एंड चलते हैं वहाँ टेबल पर। ऑलमोस्ट सब आ भी चुके हैं चाय के लिए। कितनी सही लग रही है ना ऐसे उबलती हुई चाय। अभी जैसे सर्व हो जाएगी फिर हमारी सारी फ्रेशनेस वापस आ जाएगी, फिर खुद फ्रेश हो जाएंगे हम एंड आँखों में फिर वो एनर्जी वापस आ जाएगी और फिर करेंगे बचे हुए काम। क्या है यार, काम ही खत्म हो गए। एक्चुअली चाचा चाची गए थे मार्केट, तो जो सामान लेके आना था वो ले आए, तो मेरे पास कुछ काम नहीं बचा, चाय बना ली। तो इधर भी हमारा आज जो रिलीज हुआ वो वाला व्लॉग चल रहा है, करवा चौथ वाला। कैसा बना है मम्मी वाला? गाने सही डले ना इसमें, मिल गए बाय चांस। सुख रिया हबीबी, तू बैठी कैसे बे, क्या कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा खेलो खेलो। तो अभी का सीन क्या है कि अभी सानवी और मैं, अरे यार रोड की साइड है ना, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो अभी का सीन ये है कि सानवी और मैं जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि मंदिर में लगाने के लिए कुछ लाइट्स ये इस बार घर में डेकोरेशन हुई नहीं, क्योंकि फैमिली में एक दो कुछ डेथ्स हुई थी, तो उस वजह से फिलहाल तो चलते ऑफिस, लाइट्स लेके आते डन। तो अभी ऑफिस में आ गया था एंड शायद इस थैले में लाइट्स हैं। सानवी कैमरा पकड़ियो एक बार, इधर से पकड़ के, हाँ तेरा फिंगर आ जाती है, पिछली दिवाली वाले ब्लॉग में भी आ गई थी। हाँ इसी में पड़ी है, तीन पड़ी है ना, तीन पड़ी है, एक ले जाते हैं ओके ऐसे करके। तो लाइट ले लिए, इसे लेके बस चलते हैं अब घर। तो ये हमारा मंदिर है, मैंने काफ़ी कम दिखाया है व्लॉग में एंड ये जो लड़ी इधर खुल रही है, वाइट वाइट लड़ी दिखती रही होगी ऐसा है। पापा वहाँ पे इसे सुलझा रहे हैं, सुलझाते सुलझाते यहाँ से शुरू कर दी, वहाँ तक पहुँच गए, ये सुलझ जाएगी फिर इसको लगा देंगे यहाँ पर एंड बस ये थोड़ा ऐसे डेकोरेट सा हो जाएगा। वाइट कलर की लाइट है, इसमें कुछ रंग बिरंगा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगेगा उसके बाद। तो अब ऐसा कुछ चमकता हुआ सा लग रहा है मंदिर, है ना सानवी, अच्छा लग रहा है ना? तो डन है जी काम। हाँ लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये कोई और कलर का होना चाहिए। क्यों? उससे अच्छा लगता है, क्योंकि वाइट वाइट सब कुछ अगर वाइट रहेगा तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। पर ये वाइट वाइट, पर ये वाइट वाइट भी अच्छा लग रहा है यार। नहीं
हाँ वाइट कलर अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है आज से सान भी ब्लैक पहनेगी। भाई ये प्लास्टर गिरा वो देख रहे हो, इतना गजब कांड हुआ है ना अभी थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह के टाइम ना ऊपर छत से प्लास्टर आके गिरा। अभी मैं देख ही रहा था कि क्या हुआ, इतने में छत से गिलहरी आके यहाँ पे गिरी, भागी यहाँ से और सीधा बाहर। तो ये सीन मैंने लाइव कैसे देखा, उस टाइम पे हो क्या रहा था, मैंने इस वाले रूम के अंदर था एंड यश भी बाहर खड़ी थी, तो मैं खिड़की से उससे पंखे ले रहा था और मैं उसकी वीडियो बना था, शायद है ना शायद तेरे फोन में, हाँ तो शायद उसके फोन में है वो वीडियो, अगर मिली तो मैं दिखाऊंगा। गजब सामने खड़ा है जिसके हाथ में फोन है। तो इधर बन रहा है डिनर एंड इधर मैं बना रहा हूँ धनिया की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार दिखा रखी है ऑलरेडी, तो बस अभी बता रहा था कि ये कर रहा हूँ, तो इससे पहले बना लेते हैं फिर दिखाता हूँ बनी कैसी है। तो फाइनली ये चटनी बनके रेडी हो चुकी है, इसका कलर बहुत सही आया है, टेस्ट भी ठीक है पर अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है पर ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है ना। कर ओके उसने टेस्ट किया है, एक चम्मच भर के चटनी खाई है उसने, हाँ थोड़े से दे दो। तो इधर डिनर भी आ चुका है, इधर टीवी चल रहा है, डिनर कर लेते हैं एंड तब तक फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो ये मैंने कहा था ना दिन में कि थोड़ा सा सामान लेके आना है, उसमें से काफी हद तक सामान तो आ गया था, अब जो और थोड़ा बचा हुआ सामान है वो सानवी और मैं लेने जा रहे हैं मार्केट, पान के पत्ते वगैरह लेके आने। ओ शिट दिया था उधर गया, फिलहाल स्कूटी निकाल लेता हूँ। तो अभी सानवी और मैं इधर आए थे पान के पत्ते लेने जो कल चाहिए हमें पूजा के लिए, है ना। पान के पत्ते क्यों चाहिए लेकिन देखते कर पूजा में, वो कुछ ऐसे बना के रखते हैं ना पान शेप का जिसके अंदर सुपारी होती है, अरे ये क्यों अपने आप पीछे चलती है। तो बस यहाँ से पत्ते लेते हैं एंड देन जाते हैं मार्केट, अगर भीड़ नहीं हुई तो मिठाई भी ले लेंगे वरना वो कल लेंगे, ओके क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ है ऐसा सुनने में आया है। तो भाई अभी मार्केट तो आ गए थे लेकिन ये जो भीड़ है ना सामने शॉप पे, इधर जाना है एंड सानी 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 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तेरे पास, डॉगी से देख के पीछे हो गई, इधर आ सुन सीधी ऊपर हो, ऊपर हो, जाना है अंदर मिठाई लेने जाना है, अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई अंदर जाने की, क्या करना है आप चले चल वापस ही चलते हैं, कल ले लेंगे ठीक है सुबह दोपहर में आके ले लेंगे ना। तो सुबह आके ले लेंगे, चलो ले अभी घुसना है भीड़ में, चलो सानवी कह रही है तो एक बार घुस जाते हैं। फिलहाल अंदर तो पहुंचे, थोड़ी भीड़ कम लग रही है, हो सकता है ना जल्दी मिल जाए सामान, लेके चलते हैं फिर ठीक है। तो अभी हमने पेमेंट कर दिया है, स्लिप ले लिया है एंड ये रहा जो बेटा वो गुलाब जामुन होता है, ये रहे लड्डू ले लेते हैं पहले, ये ले लें खाना है तूने, अभी लेता हूँ तो तेज बोल गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। ओके तो फाइनली सानवी और मैं मार्केट से अंदर की साइड आ गए हैं, एज ऑलवेज स्कूटी अंदर खड़ी करी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी मिठाई भी ले ली है इसे रख देते हैं एंड देन अबे यार तेरा गुलाब जामुन रह गया, वो कहीं और से खिलाते तेरे को, ओके अभी खिलाता हूँ अभी चलते हैं, ओके मिठाई ले ली इसको गुलाब जामुन खिलाते हैं एंड देन घर चलते हैं। तो अभी आ चुके सानवी और मैं घर पे वापस, टाइम हो गया है रात के 9:30 एंड ये पान के पत्ते लिए, दो लाइटर लिए कल पटाखे जलाने के लिए, थोड़ी सी मिठाई ली एंड इसके दो गुलाब जामुन पीछे पड़ गई थी, फिर आगे से एक जगह और रुके थे गुलाब जामुन उठाए, क्या नहीं क्यों नहीं बताना किसी, सबको बताऊंगा मैं, कह रही यहीं पे खिला के चलो घर पे नहीं बताना किसी को मम्मी डांटेंगी, कहा था नहीं कहा था तूने, इधर आ चुड़ैल हो गई है बहुत ज़्यादा, चलो ऊपर चलते। हाँ भाई क्या कैसा मज़ा आ गया, एक मुझे भी खिला दे टेस्ट तो करा दे, खाली कटोरी भी ढक रही है गुलाब जामुन उठा ली। तो इधर अभी मंदिर सजा रहे हैं एंड इतना तो अभी ये सजा रही है जो इसने थोड़ा ऐसे, ये पूरा वाइट दिखना चाहिए पर पता नहीं अब जो भी है सुबह देखेंगे इसे, बाकी मम्मी सजा देंगी नीचे का बेस बनेगा, उसके बाद सुबह जो सारी इसकी सजावट होगी ना वो मैं करने वाला हूँ, उसमें एक एक्चुअली गन्ने से एंड पाइनएप्पल बड़े सारे फ्रूट से कुछ ना कुछ तो ऐसे मंदिर को अलग सा डिज़ाइन दिया जाता है। ये कहाँ का है मम्मा, कहाँ का रिवाज है, पंजाब का कि पहाड़ों का? तो ये पहाड़ों का रिवाज है, काइंड ऑफ लक्ष्मी माता इसमें बनाते हैं, वो सुबह देखना नेक्स्ट व्लॉग में। यार दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड ये जो व्यू मिलता है ना
इस दिवाली पे हमारे घर में डेकोरेशन नहीं है ड्यू किसी की डेथ हो गई थी, बट अदरवाइज ये पूरी गली इतनी सजी हुई रहती है ना, मेरे को दिवाली का ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद है ना। अगर ये ट्री है अच्छी बात है, लेकिन ट्री के पीछे तक अगर देखूँगा ना वो कैमरे में मैं नहीं दिखा सकता, पूरी गली इतनी अच्छे से सजी हुई है ना। एंड भारी 3-4 बच्चे हैं नीचे सानवी बालकनी में खड़ी है एंड ये सब बातें कर रहे हैं, तो वो चल रहा है, लेकिन भाई ओवरऑल व्यू बहुत गजब। तो ऊपर आ ही गया हूँ तो इस सुंदर से व्यू के साथ ही कर देते हैं हम आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।